दोस्तों लास्ट क्यू एन ए की वीडियो के अंदर कुछ सवाल आप लोगों के ऐसे थे जिनके जवाब मैं नहीं दे पाया था, तो आज आप लोगों के उन्हीं सवालों के जवाब देने में आया हूँ। इसी के साथ आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि राहुल भाई आपके PS4 स्लिम का क्या हुआ, वो सेल हुआ कि नहीं, क्या कोई दूसरा कंसोल भी आपके पास अवेलेबल है जिसे हम परचेस कर सकते हैं सेकेंड हैंड, और आप गेम वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं कराते जैसे आप पहले कराते थे जो PC की गेम्स हैं, जेल ब्रेक वाली गेम्स हैं PS4 की, तो उसके भी मैं जवाब दूंगा। साथ ही एक सवाल मुझसे ये भी पूछा गया कि राहुल भाई आप काफ़ी टाइम से गिव अवे नहीं कर रहे हो, तो गिव अवे का क्या सीन है, तो आज इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। लेकिन इससे पहले आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले पॉइंट पर मैं बात करूँगा यहाँ पर PS4 और इन गेम्स के बारे में, मतलब कि कंसोल के बारे में। तो यार PS4 स्लिम तो मेरा सेल हो चुका है, तो वो तो मेरा तभी हाथों हाथ ही सेल हो गया था, और अब मैं PS4 प्रो भी सेल करूँगा, साथ ही मुझे PS3 भी सेल करना है। इसके अलावा Xbox One है मेरे पास सेल करने के लिए, Nintendo Switch है क्योंकि मैं Nintendo Switch का OLED मॉडल परचेस करने की प्लानिंग करूँगा फिर, और मेरे पास PSVR भी है। तो ये सारे मैं आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में, मतलब ऐसा प्राइस आपको और कहीं नहीं मिलेगा पूरी मार्केट में, आप कहीं भी पता कर लेना, क्योंकि मैं कोई बिजनेस नहीं करना यार, मुझे तो सिर्फ ये है कि मेरे पास रखी हुई चीज़ ख़राब हो जाएगी, और क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ इन चीज़ों को। अब फिलहाल मैं सिर्फ दो ही कंसोल खेलता हूँ, PS5 और सीरीज एक्स भी बहुत कम खेलता हूँ, ज़्यादातर तो मेरा सारा जो टारगेट है वो PS5 पे रहता है। इसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं एक नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये बात मैं आप लोगों को पहले से कह रहा हूँ कि आप ओनली टेक्स्ट मैसेज मुझे करना उस नंबर पे, मैं कोई भी फ़ोन पिक नहीं करूँगा आपका, तो प्लीज़ आप कोई भी फ़ोन मत करना मुझे, टेक्स्ट मैसेज करना, या आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं उस पे। इसके अलावा अगर वहाँ पर अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप मेरी मेल आईडी से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, nfm.in@gmail.com है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो इन दोनों जगह आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं गेम्स कलेक्शन के बारे में कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं राहुल भाई आप PC गेम्स वगैरह सेल करते हो कि नहीं करते, हमारा इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है, हम इतनी बड़ी बड़ी GB की गेम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो बिल्कुल हमारे पास हार्ड डिस्क आती हैं, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिलता इन सारी चीज़ों को करने के लिए, तो काफ़ी नॉनीजी ऑपरेट करती हैं, तो उनका भी मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी लोग परचेस करना चाहते हैं, चाहे PS4 की गेम हो चाहे PC की गेम हो, वो आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको कोरियर करा देंगे, लेकिन मिनिमम आपको 10 गेम परचेस करनी पड़ेंगी। अब बात करूँ प्राइस की, तो यार मिनिमम 50 रुपये रेट होता है किसी भी गेम का, उससे ऊपर भी हो सकते हैं, जैसे 100 की भी है, कोई 150 की है, तो वो वेरी करता है गेम टू गेम पर, और इससे सस्ती भी आपको मिल सकती है अगर आप ज़्यादा बल्क में लेते हो गेम। अब हम बात करेंगे गिव अवे के बारे में, तो यार गिव अवे का ये सीन है कि 2 से 3 लाख रुपए की गेम्स मेरे पास रखी हुई हैं फिजिकल डिस्क में, और जिनका मैं सोच रहा हूँ या तो वो मैं सेकंड हैंड सेल कर दूँ लोगों को, जैसे मैं कंसोल की सोच रहा हूँ, या मेरे दिमाग में एक प्लानिंग ये भी है कि मैं फिर दोबारा से गिव अवे करूँ, लेकिन गिव अवे मैं उन्हीं लोगों को करना चाहता हूँ जिनका कंसोल में या कैंपेन गेम्स में इंटरेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं गिव अवे दोबारा से करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी से यार मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स वाला टारगेट कंप्लीट करा दो, बहुत ज़्यादा तो नहीं बचे हैं, और 3 साल हो गए हैं चैनल को, तो मुझे लगता है कि अब तो ये टारगेट अचीव हो ही जाना चाहिए। जैसे आप ये टारगेट अचीव करेंगे, मैं बहुत सारी गेम्स के अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने कर दूंगा गिव अवे की, और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि PS4 की गेम है, Xbox की भी गेम है मेरे पास, को Nintendo Switch के भी टाइटल है, तो वो सारे टाइटल मैं गिव अवे कर दूंगा। इसके अलावा लोगों ने मुझसे पूछा कि राहुल भाई रेजिडेंट इविल जो 4 है उसका जो रिमेक है वो कब तक आएगा, तो ये बारे में मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूं कि रेजिडेंट इविल 4 जो गेम है उसका काम चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ डाइनो क्राइसिस पर भी कंपनी काम कर रही है कैपकॉम, और इससे भी पहले आपको रेजिडेंट इविल रिवर्स खेलने को मिलेगा जो कि एक स्पिन ऑफ मल्टीप्लेयर गेम होने वाली है, और उसके अंदर रेजिडेंट इविल विलेज के भी कैरेक्टर हैं, तो वो गेम आप पहले खेलेंगे, उसके बाद फिर ये दोनों गेम आएंगी, और कम से कम आप ये मानकर चलो कि 2022 में मुझे मुश्किल लग रहा है, पर डेफिनेटली 2023 तक रेजिडेंट इविल 4 का रीमेक आपको खेलने को मिल जाएगा। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है, जिस पर मुझे सुनकर हंसी भी आ रही है, कि राहुल भाई क्या बैटलफील्ड 2042 एक्सबॉक्स गेम पास में फर्स्ट डे से फ्री होगी, तो यार ऐसा नहीं होने वाला भाई, क्योंकि ये बहुत महंगी गेम है, ट्रिपल ए टाइटल है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक्सबॉक्स गेम पास में आपको ये गेम फर्स्ट डे से मिल जाए। फर्स्ट डे में सिर्फ वही ट्रिपल ए टाइटल आपको मिलते हैं जो एक्सबॉक्स के या माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आते हैं, यानी कि उनकी अपनी कंपनी होती है, जैसे गियर सीरीज हो गई, फोर्जा होराइजन हो गई, और अब हेलो इन्फिनाइट आएगी, तो वो फर्स्ट डे से आपको फ्री मिलेगी, अदर जो गेम होती हैं उसमें 1-2 महीना कम से कम लगता है आने में।
लास्ट सेकंड सवाल पर लोगों ने मुझसे पूछा कि राहुल भाई मैक्स पेन 4 का क्या सीन है, मैक्स पेन 4 कभी आएगा कि नहीं आएगा। तो यार अभी फिलहाल जो रॉकस्टार कंपनी है उसका पूरा फोकस है GTA 6 पर। तो GTA 6 आपको 2025 तक IGN ने कंफर्म किया है कि आपको खेलने को मिलेगी, पर मुझे लगता है कि 2023 तक उसका ट्रेलर वगैरह और उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स हमारे सामने शेयर होती जाएंगी। अगले साल से शायद कंपनी उसका प्रमोशन शुरू कर देगी अलग अलग तरह से। वैसे तो अभी भी प्रमोशन होता है, जैसे GTA 5 के ऑनलाइन में उसका कुछ लीक दे देते हैं या कहीं भी आपको कुछ ईस्टर एग देखने को मिल जाता है, लेकिन सही तरह से उसका जो ऑफिशियल प्रमोशन है अगर गेम 2025 में आएगी तो 2023 से रॉकस्टार कंपनी शुरू कर देगी। और लास्ट पॉइंट पे दोस्तों लोगों ने मुझसे पूछा कि राहुल भाई GTA 6 को किस अनरियल इंजन पर बनाया जाएगा, 4 पे या 5 पे। तो यार सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा कि गेम 2025 के आसपास बता रहे हैं रिलीज होगी, तो अनरियल इंजन 5 से तो कम कुछ होगा ही नहीं, तो सबसे लेटेस्ट ग्राफिक्स होंगे उसके। और 2013 में जो GTA 5 आई थी आप आज भी उसके ग्राफिक्स देख लो कितने अच्छे हैं, अब उसका रिमास्टर्ड आ रहा है तो उसे ही देखेंगे हम खेल करके कैसे होंगे। तो GTA 6 के बारे में तो ये चीज़ आप भूल ही जाओ कि वो अनरियल इंजन 4 वगैरह पे बनेगी। वैसे मुझे लगता है कि रॉकस्टार का शायद अपना इंजन होता होगा और वो उसी पर उस गेम को बनाएंगे। बाकी इस बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल से पढ़ा नहीं है, अगर आपको पता है कि GTA 5 किस इंजन पर बनी थी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको इनमें से कोई भी कंसोल परचेस करना हो, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 Pro या Pandora Box या Nvidia Shield Pro, तो आप मुझे जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लेना, लेकिन प्लीज़ करना वही लोग जिन्हें सीरियसली कोई चीज़ परचेस करनी हो।